नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हेलो दोस्तों, टेक्नो रूहेज में आपका स्वागत है। आज की टेक्नो शुरू करते हैं, जबरदस्त गर्मा गर्म ताजा खबर हमेशा की तरह लेके आ गया हूं और कल से तबीयत थोड़ी आज ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया विश के लिए। और हमने ये हथियार साथ में रखा है, वैसे बहुत काम आता है। वैसे पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपने कभी कोई फोन ऑफलाइन परचेस किया है। 85% लोगों ने कहा हमने किया है, उनमें से मैं भी हूँ। मेरा पहला स्मार्टफोन आई थिंक कार्बन का हमने ऑफलाइन ही लिया था, तभी ऑनलाइन इतना ज़्यादा चलता नहीं था। और हाँ, डैडी के लिए हमने एक फ़ोन लिया था ऑफलाइन, माइक्रोमैक्स का। तो इंडियन कंपनी से ना हमारी यादें ना बहुत जुड़ी हुई है। एनीवेज, OnePlus Nord N10 की हमने अनबॉक्सिंग किया है, अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। और कल हमने 50,000 लाइक्स अचीव कर लिया, आपने मेरा बर्थडे गिफ्ट मुझे दे दिया। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए, कोई बात नहीं, बस ये जो सपोर्ट है, ये जो लाइक करते हैं, जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शेयर भी कर दिया करिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना, वरना वो चाचा शुरू में बहुत परेशान करेगा। फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सैमसंग से, जिस चीज का डर था वही होने जा रहा है। आपको याद होगा, एप्पल ने जब अपने आईफोन 12 सीरीज लॉन्च किया था तो बॉक्स में चार्जर नहीं दिया था। हम सभी ने उसको अलग से ट्रोल तो किया ही था, लेकिन ब्रांड्स ने भी खूब सारा ट्रोल किए थे। OnePlus ने, शाओमी ने, आई थिंक सैमसंग ने, वगैरह वगैरह। अब सैमसंग ने जो फेसबुक पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने एप्पल को ट्रोल किया था बॉक्स में चार्जर नहीं देने के लिए, वो फेसबुक पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दिया है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। Yes, अब ये क्या हिंट दे रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मे भी हो सकता है जो सैमसंग के दूसरे जो फ्लैगशिप फोन्स आ रहे हैं, जो अभी जनवरी में आएंगे S21 सीरीज, उनमें शायद बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलेगा। वेरी गुड, मतलब केस आईने की तरह साफ लग रहा है। वैसे लगे हाथों Exynos 2100, ये जो पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है सैमसंग का, 12 जनवरी को जो आएगा और उसके बाद हमें S21 सीरीज में मिलेगा। इसके जब Geekbench स्कोर निकल कर आए थे ना, तो वो Snapdragon 888 के आसपास ही थे, लेकिन दोबारा जब नए स्कोर्स निकल कर आए और दूसरी तरफ Mi 11 जिसमें Snapdragon 888 है उसके दोबारा स्कोर निकल कर आए, तो दोनों को बाद में जब मिलाया गया तो Exynos 2100 ने Snapdragon 888 को डिफीट कर दिया। जी हाँ, तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट होगी इस बार, जो ऐसा यहां पर लग रहा है। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि सैमसंग के Exynos इतना ज्यादा पावरफुल निकल कर आ रहा है। अब ये जब हमें 12 जनवरी को आएगा उसके बाद हम टेस्ट करके प्रैक्टिकली, तो ही पता चलेगा कि कितना ज्यादा ये पावरफुल है। बाय द वे, इंडिया के अंदर सीक्रेटली वीवो ने क्या किया है, जो V20 उनका फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है वो 25,000 में आपको मिलता है, स्नैपड्रैगन 720G है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका ही सक्सेसर सीक्रेटली लॉन्च कर दिया, V20 2021। जी हाँ, और ये सेम प्राइस पर है, लेकिन इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 730G। जी हाँ, और ये अमेजोन पर भी लिस्ट हो गया, आप देखिए मैंने जब चेक किया तो यस इट इज राइट, अमेजोन पर भी लिस्ट हो गया है और न्यू प्रोसेसर के साथ में, लेकिन सेम प्राइस पर। ये ऐसा उन्होंने क्यों किया मुझे नहीं समझ रहा, मतलब पुराने जिन्होंने लिया रहेगा वो तो मायूस हो गए होंगे, अरे 720G अब 730G सेम प्राइस पर। तो हाँ, तो इनकेस अभी अगर आप वीवो V20 परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जाइए अमेजोन पर और 2021 वाला आपको मॉडल मिल जाएगा 730 के साथ में, आप उसको परचेस कर लीजिए। वैसे इंडिया के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया कप टूर्नामेंट जो वो अनाउंस हो चुका है। जी हाँ, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी ज्यादा खेलते हैं तो यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है कुछ पैसे कमाने का, कुछ नहीं बहुत पैसे, 35,00,000 रुपए का इनाम उन्होंने यहां पर रख दिया है। आप जाके उनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करिए, 4 जनवरी तक आपके पास टाइम है और जो पहला टूर्नामेंट है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 5 लोग होंगे एक टीम में, तो ऐसा आपको यहां पर खेलने को मिलेगा और लगभग 2,000 से ज्यादा टीम्स होगी जो पार्टिसिपेट करेगी, जो एक्चुअली में बहुत ही बड़ी बात है। और 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, यह भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो जाइए दोस्तों, राइज ऑफ हीरोज ऐसा भी उन्होंने नाम दिया है इस तरीके का कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इंडिया कप टूर्नामेंट शुरू हो गया है, वेबसाइट पर जाइए उनकी और वहां पर जाके रजिस्टर करिए। वैसे इंडिया में दोस्तों realme X7 ये लॉन्च होगा, इसके बारे में तो कंफर्म्ड है, हमें पता है और उन्होंने टीज भी किया था उसको हाल ही में, लेकिन X7 Pro के बारे में कुछ बात नहीं हुई थी। मतलब यहां वहां जब बॉक्स पे लीक हुए थे तो वो realme X7 के ही थे, लेकिन अब दोस्तों यहां पर realme की जो वेबसाइट है इंडिया की, वहां पर realme X7 Pro 5G लिस्ट हो गया है। जी हां, इसका मतलब दोस्तों यस, ये फोन भी हमें इंडिया में बहुत ही जल्दी मिलेगा। और जब मीडियाटेक ने इंडिया में अपने डायमेंसिटी 1000 प्लस वाले चिपसेट को ऑफिशियली अनाउंस किया, तो वैसे ही लग रहा है कि ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी आएगा। मुझे लगता है कि ये जनवरी में ही आ जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ आपको पता होगा रेनो 5 प्रो जो है वो भी डायमेंसिटी 1000 प्लस के साथ में आएगा। अब ये रेस लगी कि कौन पहला आएगा, तो खैर जनवरी में पता चलेगा, लेकिन अच्छी खबर यह कि इंडिया में realme X7 Pro भी हमें बहुत जल्दी मिलेगा।
स्किप किया, छोड़ो। पबजी मोबाइल इंडिया आएगा भी कि नहीं आएगा, अभी तो इंटरेस्ट खत्म हो रहा है धीरे धीरे, जैसे पोको F2 का हुआ ना वैसा इसका भी हो रहा है। खैर, जो स्ट्रीमर से अभी भी इंडिया के अंदर पबजी मोबाइल का कोरियन वर्जन जो है उसको मस्ट स्ट्रीम करके यूट्यूब पर जो खेल रहे हैं, इनको ऐसा भी बताया जा रहा है कि भारी पेनल्टी यहां पर लग सकती है। देखिए दोस्तों, बात क्या है ना कि सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट समथिंग, इसके तहत उसको बैन किया गया था, और उसके बाद अगर इस गेम को आप खेल रहे हैं इंडिया के अंदर तो ये इलीगल माना जा रहा है। क्या है ना दोस्तों, जब उनसे बोला गया स्ट्रीमर से कि आप लोग ऐसा कर रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई पबजी मोबाइल का दूसरा वर्जन बैन हुआ, ये तो कोरियन वर्जन है, हम तो उसको खेल रहे, उसमें भी VPN लगा के चल रहा है वो, तो पता चल रहा है कि जो कोरियन वर्जन है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म फंक्शनैलिटी उसमें, यानी कि ग्लोबल सर्वर का ही इस्तेमाल हो रहा है, और यही ग्लोबल सर्वर इंडिया में बैन किया गया है, तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, तो ऐसी बातें हो रही है। हालांकि इंडिविजुअली आप खेल रहे हो अपने अकेले घर में चुपचाप से एकदम कोने में तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, दुनिया के सामने खेल रहे हो, ये इलीगल है, और ऐसे लोगों को शायद भारी पेनल्टी इंडिया में पड़ सकती है। ऐसी ताजा खबर यहां पर निकल कर आई है, अफसोस हो रहा है मुझे, अफसोस। मैं सीरियसली ऑनेस्टली इस मामले में थोड़ा सा खिलाफ हूं गवर्नमेंट के, मैं चाहता हूं जब वहां से सब कुछ क्लियर हो रहा है तो ग्रीन सिग्नल देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आपको लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। वैसे दोस्तों, इस बार OnePlus दो नहीं बल्कि तीन तीन फोन्स लॉन्च कर सकता है, अब यहां पर ऐसी कंफर्मेशन आ रही है। एंड्रॉइड सेंट्रल द्वारा ये एक्सक्लूसिवली पता चल रहा है कि इस बार OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और साथ में OnePlus 9 ई नहीं बल्कि लाइट आएगा। जी हां, और इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 865, ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो 9 और 9 Pro आएगा इनमें आपको स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा, और ये जो होगा 9 लाइट इसमें आपको प्लास्टिक बैग भी मिलेगा, ये थोड़ा चीप लग रहा है। बाकी ज्यादातर जो स्पेक्स होगी वो OnePlus 8T जैसी होगी, और इसकी जो प्राइस होगी वो 40,000 के आसपास होगी, तो ऐसा एक लाइट वर्जन भी वो लोग यहां पर लेके आ रहे। अब OnePlus ना पहले OnePlus 6 आया था तो डायरेक्ट OnePlus 60 आया था, फिर OnePlus 7 आया था तो 70 डायरेक्ट नहीं आया था, 7 के साथ 7 Pro भी लेके आए थे, एक साथ 2 हुआ था, अब यहां पर 3 हो रहा है, अगले साल से लगता 4 फिर 5 ऐसे बढ़ते रहेंगे। खैर देखिए दोस्तों, आने दीजिए, और क्या खास ये फोन निकल कर आता है ये तो जब अगले साल आएगा तो ही हमें पता चलेगा। वैसे इंडिया में हम सभी लोग, इवन मैं भी टेलीग्राम का इस्तेमाल करता हूं, और लेजेंड्स बस मुझे पता है 2013 में दोस्तों ये आया था, और तब से लेके अब तक 500 मिलियन से ज्यादा इनके यूजर्स है, और टेलीग्राम के जो फाउंडर है या को फाउंडर है उन्होंने ऐसा बताया कि अब हम टेलीग्राम में पेड सर्विसेस यहां पर लेके आएंगे। जी हां, और स्पेशली बिजनेस के लिए और दूसरे जो पावर यूजर्स है उनके लिए, यानी कि दोस्तों थोड़ा बहुत रेवेन्यू का आसरा आपको हो सकता है टेलीग्राम के थ्रू यहां पर मिल जाए, जो अभी फिलहाल के लिए ऐसा नहीं था, कंप्लीटली फ्री था, तो ऐसे कुछ पेड सर्विसेज वो लोग ऐड करने की बात करें। अब ये 2021 से होगा, अभी क्या होगा उसके बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं बताया, लेकिन जब भी आएगा मैं आपको उसके बारे में जरूर से बताऊंगा, तो शायद उन लोगों को थोड़ा सा जो टेलीग्राम पर है थोड़े पैसे कमाने का मौका मिल जाए। जब आएगा दोस्तों इसके बारे में आपको जरूर से बताऊंगा। क्या आपको पता है दोस्तों, 1983 में जो पहला मोबाइल फोन था जो अमेरिका के अंदर सेल पर जब गया था तो उसकी जो प्राइस थी वो $4,000 की थी, लगभग कन्वर्ट कर लो तो 3 लाख के आसपास 1983 में, इमेजिन। आज की न्यूज़ में खत्म, उम्मीद करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।